और यहाँ पे लगता है एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आ गई है गलती से, और ये अभी लड़ेगी भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं कोपर से बोईसर। तो अभी मेरे पीछे देख सकते हो ये कोपर स्टेशन। अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:04 हो रहा है, और जो ट्रेन है वो 3:28 पे है। ट्रेन पनवेल से बन के आती है। दोस्तों जिस ट्रेन का मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वो ट्रेन वसई तक की ही जाएगी। तो ये जो ट्रेन है वो मुझे यहीं पे मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो ऑल राइट फॉर वसई हियर। तो यहाँ पे मुझे वो ट्रेन मिल जाएगी इजिली। बाकी अभी टाइम हो रहा है 3:06, अभी पूरा 22-23 बचा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वेट तब तक ट्रेन का। ये जो कोपर स्टेशन है यार, बहुत ही खाली खाली सा लग रहा है। देखो यहाँ पे दो ही प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और एक प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अभी मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था, बट ऐसी गलती आप कभी मत करना। जो पनवेल वसई शटल है वो कोपर स्टेशन के ब्रिज पे आती है, और मैं उसका वेट नीचे कोपर स्टेशन पे कर रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठा था टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर मैं इंडिकेटर में देखा, तब भी CST के लिए ट्रेन लगी थी। फिर एक भाई से पूछा कि ये पनवेल शटल कब आएगी, फिर वो भाई ने बताया कि वो ट्रेन ऊपर ब्रिज पे आएगी। और मैं जैसे ही ब्रिज पे आता हूँ ट्रेन भी आने लगती है, और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, बट मुझे इजीली सीट मिल जाता है बैठने के लिए। और जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था भिवंडी। इस रूट पर हमें नया नया स्टेशन भी देखने को मिला। और फिर इस शटल ट्रेन में मैंने एक चाय ट्राई किया जो कि बहुत अच्छी चाय थी, बट इसका जो प्राइस था 10 रुपया था, वो मुझे इस ट्रेन के हिसाब से ज़्यादा लग रहा था। और फिर आगे एक स्टेशन पड़ा जिसका नाम था खारबाओ। ये स्टेशन भी मेरे लिए नया था क्योंकि मैं इस रूट पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। पूरा 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं। ये ट्रेन 20-30 लेट अराइवल होती है वसई स्टेशन पर। दोस्तों फाइनली पहुंच गया विरार, मेरे पीछे देख सकते हो यही ट्रेन से आया हूँ विरार। थोड़ा लेट कर दिया यार, नहीं तो मुझे ट्रेन मिल जाता इजीली। बहुत लेट हो गया, 10-20 लेट हुआ, इसके लिए मुझे ट्रेन नहीं मिलेगा। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा विरार, और विरार से चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों गलती से मैं विरार बोल देता हूँ, मैं अभी वसई प्लेटफॉर्म पे हूँ, और यहाँ से मुझे विरार के लिए लोकल लेनी है। वसई से जिस ट्रेन में बैठा वो AC की ट्रेन है, और जो मेरे पास टिकट है वो नॉर्मल लोकल ट्रेन का टिकट है। पकड़ा गया भाई तो लंबा। तो ये रहा नाला सुपारा स्टेशन, देख सकते हो। बाकी यार बाहर से बहुत गर्म गर्म हवा आ रही है, तो यहाँ कहीं से बैठता हूँ, पूरी ट्रेन खाली है भाई, AC वाले में कोई नहीं बैठता है। मैं बैठ गया भाई, मुझे थोड़ा बहुत टेंशन भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस से रहना पड़ेगा एकदम स्टाइल में, नहीं तो फिर पकड़ा जाऊँगा। तो भाई यार एक बात है, जिस डिब्बे में मैं घुसा था फर्स्ट टाइम उसमें बहुत ठंड था यार, लेकिन ये सब में थोड़ा गर्म लग रहा है पता नहीं क्यों। डिब्बे में बहुत ठंड था और मैं जस्ट वहाँ से पूरा ठंड गया, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर था इसलिए ठंड हो गया। चलता हूँ वहीं कहीं पर, देखता हूँ क्या सुन रहे भाई। यहाँ पे धूप देखो भाई, क्या ही मौसम हो रखा है। इधर से बाहर भी ठीक ठाक से दिखता नहीं है, अंदर का ही सीन दिख रहा है सब। यहाँ पे मेरा फ़ोन देख सकते हो दिख रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। AC वाली ट्रेन में मज़ा आता है, थोड़ा पैसा वैसा हो गया ना तो उसमें AC ट्रेन की टिकट कटाऊँ। अगर यार वो जो ऊपर से मैंने ट्रेन ली थी वो अगर लेट नहीं होती ना, तो मैं अभी तक का तो बहुत ही अच्छी ट्रेन में बैठ जाता, और वो भी बोईसर के लिए डायरेक्ट ही आराम से पहुँच भी जाता, कोई टेंशन भी नहीं रहता। लेकिन अभी मुझे बहुत टेंशन है, टेंशन नहीं है मुझे एक पैसे का मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत अमेज देश चलता है, बाकी टेंशन मुझे थोड़ा भी नहीं होता कि कब क्या होगा। सो यहाँ पे चेक करो माहौल, क्या ही माहौल है भाई साहब, मज़ा आ रहा है वैसे। AC की लोकल में यहाँ थोड़ा वाइब आता है वाइब। यहाँ पे देखो ट्रेन जा रही है, तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ वहीं पे जिस बोगी से मैं आया था उसी बोगी में चलता हूँ। दोस्तों विरार से जिस ट्रेन में जा रहा हूँ वो एक मेल ट्रेन है, सो ये देख सकते हो ये भी बेतरना स्टेशन पे पहुँची है। ये ट्रेन यार बहुत ज़्यादा लेट करती है, इसलिए थोड़ा टेंशन है। बाकी अगर थोड़ा 10-20 पहले पहुँचता ना तो मैं आराम से पहुँच जाता टाइम से घर पे, बट इसमें यार टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत लेट करती है ट्रेन। तो अभी पहुँची है बेतरना स्टेशन पर, ये देख सकते हो ये बेतरना स्टेशन।
तो देखते हैं कब घर पे पहुंचता हूँ। और एक टेंशन है यार, मैं टिकट नहीं लिया इस ट्रेन का, क्योंकि जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा फिर वैसे ही ट्रेन ये जाने लगी थी। मैं लाइन में था, टिकट लेने ही वाला था, बट ट्रेन जाने लगी इसलिए मैं फटाफट से बैठ गया भाई, क्योंकि इसके बाद बहुत ही लेट ट्रेन थी। फाइनली गाइस दिस इज रोहितर स्टेशन। अभी जो टाइम हो रहा है 6:10 हो रहा है और अभी मैं जस्ट यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये ट्रेन देख सकते हो पीछे, तो चलता हूँ अब बाहर। दोस्तों इसी तरह हमारा सफर हुआ ख़त्म। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर यार सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।